तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ नथिंग फोन 1 का रिव्यू, क्योंकि इस फोन की हाइप ना मार्केट में काफी टाइम से बनी हुई थी। इवन हम लोग भी ना काफी टाइम से एक्साइटेड थे कि भाई साहब इस फोन में क्या कंपनी कुछ नया लाने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या कुछ नया है इस फोन में, और अपना दूंगा एक पर्सनल ओपिनियन कि आपको ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बिकॉज जिस प्राइस सेगमेंट पे फोन ये निकाला है कंपनी ने, मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 32,000 का एंड जो सेकंड वेरिएंट है वो आता है 38,000 का। तो ये प्राइस फोन को जस्टिफाई करता है नहीं करता वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप अदर यूट्यूब चैनल्स को देखिए। बट बिफोर बाइंग नथिंग फोन प्लीज डू वॉच दिस समथिंग वीडियो, सो लेट्स टेक अ डाइव इन और स्टार्ट करते हैं इस फोन की लुक से। सो जो लुक कंपनी ने निकाली थी ना फर्स्ट टाइम जब इसका बैक साइड का निकाला था, तो बिलीव मी मैं देख के बहुत शॉक था। तो इस फोन की मेन हाइप का रीजन पता क्या था, क्योंकि जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम इस फोन का बैक पैनल की फोटो रिलीज करी थी ना, तो उस टाइम पे जो इसका बैक साइड था नेकेड था, नेकेड टाइप में था, और साथ में इसकी थी ग्लिफ लाइट। तो उसकी वजह से जो उसका लुक निकल के आ रहा था ना वो इतना कूल लग रहा था। एंड जब हमने अभी रिसेंटली देखा कि कैसे ये पीछे ग्लिफ लाइट्स रिंगटोन के साथ जैसे सिंक्रोनाइज होके ब्लिंक करती है, वो इतना ज़्यादा कूल लगता है। इवन आप अपने सॉन्ग्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये ना सारे सॉन्ग के साथ नहीं चलेगा। तो उस केस में जिस सॉन्ग में बेस और ट्रेबल सबसे ज़्यादा होगा ना, तो उस केस में आप देख सकते हो अभी वीडियो में कि कितना ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो जो फर्स्ट जो एज अ कस्टमर मैं देखूंगा ना, तो एज अ लुक मेरे लिए ये 10 out of 10 है बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। इसकी डिस्प्ले में हमें देखने को मिलता है कि 6.5 inches का फुल HD डिस्प्ले है जो आता है 120Hz की OLED पैनल के साथ। तो बट इस केस में मैं बोलूँगा कि ना इस प्राइस सेगमेंट में हमें अदर फोन्स में AMOLED स्क्रीन भी देखने को मिलती है, बट कंपनी ये क्लेम करती है कि जो OLED पैनल है ये फ्लेक्सिबल है, तो आपको ना फ़ोन की चारों साइड से वो प्रॉपर दिखेगा, कोई आपको कलर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो वो एक बेनिफिट है। बट एक जो इस पॉइंट में एक ड्रॉबैक मैं बोलूंगा, क्योंकि इस फोन में हमें देखने को मिलता है 500 nits ऑफ ब्राइटनेस, जो कि बहुत बेकार है। क्योंकि आप बाहर जाके फोन चलाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इवन आपको छाए में जाके देखना पड़ेगा कि भाई क्या मेरी नोटिफिकेशन है, आपको जो भी मैसेज करना है। तो इसके उस पॉइंट में ये बिल्कुल मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर कंपनी 1000 nits तक देती, इवन दो 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है, बट जो बेस है वो 500 nits ही है, तो वो केस अच्छा नहीं है। एंड मूविंग ऑन टू इट्स कैमरा, तो पीछे हमें देखने को मिलता है डुअल रियर लेंसेज एंड फ्रंट में आता है एक हमारा सेल्फी कैमरा जो है 16 megapixel का, जिसमें आता है सोनी का सेंसर 471। एंड जो बैक साइड में डुअल लेंसेज हैं, तो जो मेन कैमरा है वो है 50 megapixel का एंड वो आता है सोनी सेंसर के 766 के साथ। एंड जो सेकेंड कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा और वो आता है सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ। तो अब मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीन पे आपको कुछ फोटोज़ दिख रही होंगी, मैंने एक्चुअली नेट से निकाला था कि सेल्फी कैमरा की फ़ोटो भी काफ़ी हद तक अच्छी खींच देता है। इवन मेन कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, इसमें इमेजेस आपको काफ़ी शार्प दिखेंगी, क्रिस्प दिखेंगी। बट ऑन द अदर हैंड आप अल्ट्रा वाइड की फ़ोटोज़ देखोगे ना, तो जैसे ही मैं अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करता हूँ ना, तो ये ना इमेजेस काफ़ी डार्क हो जाती हैं। तो जैसे कलर टेम्परेचर है, शार्पनेस है, वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। बट आई बिलीव कि वो चीज़ें कंपनी ना चेंज कर लेगी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि हमें 4 साल का सॉफ्टवेयर का अपडेट मिलेगा, ये कंपनी ने क्लेम करा है। तो आई बिलीव कि उन सब आगे ईयर्स में ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा फ़ोन में। अब आते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर में जाने से पहले मैं कंपनी को बोलूँगा कि इन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये प्रोसेसर डाला है। तो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G+ का प्रोसेसर। बट इस रेंज में ना 32,000 से जैसे कि 38,000 तक फ़ोन जाता है, तो उस रेंज में ना स्नैपड्रैगन का हमें 865 इवन 888 स्नैपड्रैगन भी देखने को मिलता है। बट जबकि हम 32,000 देख के 878 कौन ही लेगा वो मुझे नहीं पता। इस पे कंपनी को काम करना करेंगे आई बिलीव, क्योंकि ना क्या होता है कि अभी फर्स्ट कंपनी है और इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो आई बिलीव अपॉन द कस्टमर फीडबैक्स, जब उनको कस्टमर के रियल फीडबैक्स मिलेंगे, तो उस केस में जो उनका सेकंड फोन आएगा, तो उसमें मैं बिलीव करता हूँ कि ये
कुछ अच्छा चेंज करें और उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से उसमें अच्छा प्रोसेसर डालें। तो अब इसकी मैं बात करता हूं आगे, अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो मैं बैटरी देखने को मिलती है 4500 mAh की, जिसके साथ मिलता है 33 W का केबल, बस चार्जर नहीं मिलता। यार तुम कंपनी, एक नई कंपनी लेके आ रहे हो, उसमें अडेप्टर नहीं आ रहा, तुम एक डिम टॉप नॉच कंपनी को मैच करके अपना न्यू प्रोडक्ट निकाल रहे हो और तुम अडेप्टर नहीं दे रहे। ये तो बिल्कुल मेरे ना समझ नहीं आई बात की, मतलब कंपनी क्या करना चाहती थी। एक तो उन्होंने इतना प्राइस हाई रखा फ़ोन का, इवन उस लेवल की स्पेक्स भी नहीं थे और उन्होंने अडेप्टर भी निकाल दिया। तो यार जो लोग हैं ना वो इतने भी पागल नहीं है कि विदाउट अडेप्टर इसको देख के ना एकदम से खाली ग्लिफ लाइट देखे तो चलो भाई फ़ोन लेने चलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये सबसे बेकार पॉइंट था एज अ होल मैं देखूं, बट कोई नहीं, दैट यू हैव टू बाय। बट एक इसमें अच्छी बात भी है, आपको देखने को मिलता है 15 W का वायरलेस चार्जिंग, प्लस 5 W की रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है, प्लस आपको 5G 12 बैंड्स देखने को मिलते हैं, प्लस आपको UFS स्टोरेज 3.1 देखने को मिलती है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं इस फ़ोन के बारे में, ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल ही ख़राब है। तो अब मैं अपने फाइनल रिव्यू पे आऊँ ना, तो फाइनल रिव्यू में मैं बोलूँगा कि नो डाउट एक डिसेंट फ़ोन है, बट द पॉइंट इज़ कि मैं आपको ना ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि अभी एक्चुअली हमें नहीं पता कि ये फ़ोन कैसा है प्रॉपर, अभी हमने रिव्यूज़ प्रॉपर नहीं देखे। आई वुड सजेस्ट कि आप ना थोड़ा रुक जाओ, आप थोड़ा रुको एक महीना, आप थोड़ा स्मार्ट प्ले करो, आप देखो जाके, आप YouTube पे भी आगे एक दो हफ्ते बाद आपको यूट्यूबर्स की और वीडियो दिख जाएगी जो उस फ़ोन को एक थोड़ा डीप एनालाइज करेंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें मेन चीज़ वो फेस कर रहे हैं लाइक ड्यूरिंग देयर यूज़। इवन आप Flipkart पे जब सेल चालू होगी आप एक दो वीक बाद चेक करना, वहाँ भी लोग अपने रिव्यूज डालेंगे। तो बेसिस दैट आप फ़ोन तभी खरीदना, अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसी चीज़ में पैसे लगाएं मेरे बोलने के बाद और वो बाद में रिग्रेट करें, तो दैट आई डोंट वॉन्ट। बिकॉज मैंने कल ना ट्विटर पर भी देखा था कि कुछ लोगों ने पोस्ट करा था कि उनकी कुछ ना यूनिट्स में काफ़ी डिफेक्ट्स देखने को मिले थे। अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये डिफेक्टिव यूनिट्स लोगों को मिला है। तो आई डोंट नो कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या कंपनी ने सोच के ऐसा डिलीवर करा प्रोडक्ट, बट मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि नई कंपनी है, थोड़ा टाइम दीजिए, जब सेकंड फ़ोन निकालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो सब चीज़ें, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपॉन फीडबैक्स, तो वो ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड ऐसे ही मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब के लिए टाटा बाय बाय।